संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जी के, और राजस्थान जी के में अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति। आज राजस्थान की कला संस्कृति में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है राजस्थानी लोकगीत। ये जो राजस्थानी लोकगीत है, इनसे भी परीक्षा में बहुत बार एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो भी राजस्थानी लोकगीतों से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो लोकगीत बहुत सारे हैं। राजस्थान में बहुत सारे लोकगीत प्रचलित हैं, गाए जाते हैं, लेकिन जिन गीतों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है, वो गीत आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो देखते रहिए संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल। देखिए राजस्थानी लोकगीत कौन कौन से हैं और किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक गीत है फाग। फाग, फाग नाम से जैसे कि आपको पता है कि ये जो फाग है, ये होली के समय फाग गीत राजस्थान में पूछा जा सकता है कि फाग गीत कब गाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि होली के समय, होली के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फाग। तेजा, तेजा गीत, तेजा टेर जिसको बोलते हैं, तो तेजा गीत तेजा जी की स्मृति में गाए जाते हैं। और जब फसल बोते हैं तो फसल की बुआई पर पूछा जा सकता है कि फसल की बुआई पर कौन से गीत, तो तेजा गीत या तेजा गीत कब गाए जाते हैं? तो फसल की बुआई पर गाए जाते हैं तेजा गीत, ये आपको याद रखना है। एक है आंबो, तो पुत्री की विदाई पर, पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में पुत्री की जो विदाई होती है, उस विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? आंबो। हालांकि ओड़ियू, ओड़ियू गीत है, ये भी विदाई से संबंधित है। एक कोयलड़ी, कोयलड़ी जो गीत है वो भी विदाई से संबंधित है। ओड़ियू, आंबो, कोयलड़ी, ये तीनों ही गीत ऐसे हैं जो विदाई से संबंधित गीत माने जाते हैं। शादी के समय कब गाए जाते हैं? शादी के समय गाए जाते हैं, शादी में जब पुत्री को विदा किया जाता है, दुल्हन को विदा किया जाता है, तब ये गीत गाए जाते हैं। तो आंबो पुत्री की विदाई के समय, क्योंकि परीक्षा में ओड़ियू नहीं पूछ करके, क्योंकि ज्यादातर पूछा गया है ओड़ियू, कोयलड़ी भी पूछा गया है, कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के समय, विवाह में विदाई के समय गाया जाता है कोयलड़ी गीत। ओड़ियू किसी की याद में प्रश्न पूछा जाता है, किसी की याद में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ओड़ियू कहा जाता है याद। तो आंबो याद रखना पुत्री की विदाई के समय। इंडोनी पणिहारी, दोनों गीत याद रखने हैं आपको, कालबेलिया जाति से संबंधित है। इंडोनी पणिहारी कालबेलिया जाति से संबंधित गीत है। इंडोनी पणिहारी, पणिहारी क्या है, ये पूछा गया है परीक्षा में देश बोर्ड के द्वारा। पणिहारी तो पानी भरने वाली जो स्त्री होती है, पानी भरने के लिए जो स्त्री जाती है, पानी भरने वाली स्त्री, उसको पणिहारी कहा जाता है। और इस पणिहारी गीत में स्त्री के पतिव्रता होने का संदेश दिया गया है, पतिव्रत धर्म का पालन बताया गया है, स्त्री के पतिव्रत धर्म का पालन। कौन से गीत में? पणिहारी गीत में। पानी भरने वाली स्त्री को पणिहारी, यानी स्त्री जब, महिला जब पानी भरने के लिए जाती है तो कौन सा गीत गाती है? पणिहारी, यानी पणिहारी गीत कब गाया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। पणिहारी गीत कब गाया जाता है? जब पानी भरने के लिए जाते हैं तब गाया जाता है पणिहारी गीत। इन्होनी पानी भरने के लिए जो कलश आता है, उस कलश को रखने के लिए जो गोलिंडी बनाई जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इन्होनी। तो इन्होनी और पणिहारी जो गीत है वो याद रखना कालबेलिया जाति से संबंधित है। पटेलिया बिछिया लालर, परीक्षा में आ चुका है ये। पटेलिया बिछिया लालर क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है, याद रखना। पटेलिया बिछिया लालर क्या है? तो ये तीनों राजस्थानी लोकगीत हैं और आदिवासियों से संबंधित है। परीक्षा में पूछा गया है निम्न में से आदिवासियों से संबंधित गीत है, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पटेलिया बिछिया लालर। तो ये जो पटेलिया बिछिया लालर है, ये राजस्थानी लोकगीत है और किन से संबंधित है? तो आदिवासियों से संबंधित गीत माने जाते हैं पटेलिया बिछिया लालर। सुबटिया, सुबटिया गीत का संबंध किससे है? तो याद रखना भील स्त्री, भील स्त्री जो होती है, भील स्त्री से संबंधित है कौन सा गीत? सुबटिया, यानी भीलों में जो वीरहणी स्त्री होती है, वो वीरहणी स्त्री अपने पति के वियोग में कौन सा गीत गाती है? सुबटिया। भीलों में विरहणी स्त्री, भील जाति में विरहणी स्त्री के द्वारा अपने पति के वियोग में गाया जाता है सुबटिया। परीक्षा में पूछा गया ये सुबटिया गीत का संबंध है,
और वहां ऑप्शन मिलेगा आपको भील स्त्री, तो भील स्त्री भील महिला से संबंधित है ये सुबटिया गीत। लांगुरिया, लांगुरिया याद रखना बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, केला देवी जिनका मंदिर है करौली त्रिकुट पहाड़ी पर, करौली में त्रिकुट पहाड़ी में केला देवी का मंदिर बना हुआ है और केला देवी के भक्तों के द्वारा, केला देवी के भक्तों के द्वारा ज्यादातर जो भक्त होते हैं केला देवी के वो मीणा और गुजर जाति के होते हैं और केला देवी के भक्तों के द्वारा इनके मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है लांगुरिया कौन सी देवी से संबंधित है, तो केला देवी से संबंधित है लांगुरिया, याद रखना लांगुरिया केला देवी के भक्तों के द्वारा मीणा जाति के द्वारा केला देवी की आराधना में कौन सा गीत, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, तो लांगुरिया याद रखना केला देवी और केला देवी का मंदिर है करौली। हम सीढ़ो भीलो का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, हम सीढ़ो पूछा गया है परीक्षा में भीलो का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो हम सीढ़ो जो है वो भीलो का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर के गाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं कौन से गीत को, हम सीढ़ो गीत को, तो भीलो का प्रसिद्ध लोकगीत है ये हम सीढ़ो, ये भी याद रखना। सुबटिया गीत का संबंध केवल भील स्त्री से है और हम सीढ़ो गीत महिला और पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर के गाया जाता है हम सीढ़ो। एक गीत है फलसड़ा, फलसड़ा गीत कब गाए जाते हैं, तो विवाह के समय, विवाह में अतिथियों के आगमन के समय, विवाह में प्रश्न पूछा जा सकता है विवाह में अतिथियों के आगमन के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो फलसड़ा, विवाह में अतिथियों के आगमन के समय जो भी गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फलसड़ा कहते हैं। मुमल, मुमल से याद रखना मुमल जो है वो लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी मुमल, मुमल और महेंद्र की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है, तो मुमल के लिए याद रखना। और मुमल गीत कहाँ गाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है ये मुमल गीत नारी सौंदर्य से संबंधित। प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में, आरपीएससी ने पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है कि कौन सा गीत नारी सौंदर्य से संबंधित है, तो नारी सौंदर्य से संबंधित राजस्थान का जो गीत है वो है मुमल, क्योंकि इस मुमल गीत में नारी स्त्री के नखसिक का वर्णन किया गया है, मुमल के नखसिक का वर्णन किया गया है, मुमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है मुमल गीत में, तो याद रखना नारी सौंदर्य से संबंधित गीत कौन सा है, मुमल, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है ये मुमल। कुर्जा, कुर्जा एक पक्षी होता है और कुर्जा पक्षी को विरह का प्रतीक माना जाता है, कुर्जा पक्षी है और कुर्जा पक्षी को विरह का प्रतीक माना जाता है और इस कुर्जा पक्षी को संदेश पहुंचाने के माध्यम से जो विरहिणी स्त्री है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में विरहिणी स्त्री के द्वारा गाए जाते हैं कौन से गीत, कुर्जा गीत गाए जाते हैं। कुर्जा विरह का प्रतीक, कुर्जा एक पक्षी है, कुर्जा गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में विरहिणी स्त्री यानी जिस स्त्री का पति प्रदेश में गया हुआ है तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से वो संदेश भेजना चाहती है अपने पति को और आने के लिए बोलती है, तो कुर्जा गीत विरह का प्रतीक है और विरहिणी स्त्री द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं कुर्जा गीत। कागा, कागा गीत भी विरह का प्रतीक है यानी कागा कोवे को बोलते हैं और जो विरहिणी स्त्री होती है वो कोवे को उड़ने का प्रलोभन देती है, तरह तरह के प्रलोभन देती है कि कागा जो कोवा है वो उड़ जाए और इस तरह से अपने पति के आने का शगुन मनाती है, कोवे को तरह तरह के प्रलोभन देकर के उड़ने के लिए कहती है और अपने पति को आने का, पति के आने का शगुन मनाती है विरहिणी स्त्री, तो कागा गीत भी विरह से संबंधित है, बोल है इसके उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कुर्जा जो गीत है तो कुर्जा ए मारा भंवर मिला दियो ए, तो कुर्जा गीत विरह से संबंधित है और कागा गीत भी विरह से संबंधित है। बधावा, बधावा गीत जो बधावा गीत है किसी को बधाई देने यानी मांगलिक गीत, एक तरह से कह सकते हैं कि बधावा जो गीत है वो मांगलिक गीत होते हैं, मांगलिक गीत जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उस समय गीत गाए जाते हैं कौन से, बधावा गीत, बधाई देते हैं एक तरह से, तो बधावा मांगलिक। पवाड़े, जो पवाड़े गीत होते हैं वो किसी वीर पुरुष की गाथाओं से संबंधित,
किसी महापुरुष की वीरता की विशेषता बताते हैं। किसी महापुरुष की वीरता के बारे में बखान करने वाले, विशेषता बताने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पवाड़े। जैसे बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं, तो किसी महापुरुष की वीरता का बखान जो गीत करते हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। ये याद रखना है आपको। ऐसे ही एक गीत है सारंग संगीत से प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सारंग संगीत के बारे में पूछा जाता है कि कब गाया जाता है, तो दोपहर के समय बजने वाला जो संगीत होता है वो होता है सारंग संगीत। सारंग संगीत कब बजाया जाता है, तो दोपहर के समय बजाया जाता है सारंग संगीत। पावणा बोलते हैं दामाद को, वैसे तो अतिथियों को भी पावणा ही बोलते हैं लेकिन दामाद को। तो पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में पहली बार जब दामाद घर आते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा। राजस्थान में पहली बार दामाद के घर आने पर, जवाई के घर आने पर कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा गाया जाता है। बिणजारा जो गीत है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परक गीत है। नी महिला अपने पति से, एक तरह से प्रश्न उत्तर चलती है, दोनों के बीच में प्रश्नोत्तरी चलती है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परक गीत कौन सा है? बिणजारा है। और इस गीत के माध्यम से जो स्त्री है वो अपने पति को परदेश जाने के लिए कहती है और परदेश से पैसे कमा कर लाने के लिए बोलती है। परदेश जाकर के पैसे कमा कर लाने के लिए बोलती है, कौन से गीत के माध्यम से? बिणजारा। तो एक प्रश्नोत्तर परक गीत माना जाता है बिणजारा। जीरा पौधा, जानते हो जीरा आप, एक तरह से मसाला होता है जीरा। और पश्चिमी राजस्थान में जो स्त्री है वो अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करती है। इस जीरा गीत के माध्यम से। जीरो जीवरो बेरी रे मत बाओ भरा परण्या जीरो। तो जो जीरा गीत है वो भी पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। जीरे से याद रखना, सर्वाधिक जीरे का उत्पादन जालोर, सर्वाधिक जीरे का उत्पादन कहाँ होता है? जालोर में। ओड़ियों, तो किसी की याद में आ चुका है परीक्षा में, किसी की याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ओड़ियों कहलाते हैं किसी की याद में गाए जाने वाले गीत। लावणी नृत्य भी है और लावणी गीत भी है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, जबकि लावणी गीत पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है नायक नायिका को बुलाने के लिए। जो नायक होता है वो नायिका को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाता है? लावणी गीत गाया जाता है नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए। चौबाली गीतों का संस्मरण है, राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? तो चौबाली कहलाता है, याद रखना। राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं चौबाली। जच्चा होलर, परिवार में पुत्र के जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं जच्चा होलर गीत। आ चुका है परीक्षा में, पुत्र जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो जच्चा होलर गीत गाया जाता है परिवार में पुत्र के जन्म के समय। हिचकी, कोई जब याद करता है कहते हैं कि हिचकी आती है, नहीं कोई याद कर रहा है, तो हिचकी गीत से याद रखना। ये भी राजस्थानी लोकगीत है और ये गाया जाता है कहां पर? मेवात क्षेत्र। कई बार जिले भी पूछ लिए जाते हैं, तो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। और मेवात क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है? हिचकी गीत गाया जाता है। इसका प्रश्न आएगा तो क्षेत्र पूछेगा कि हिचकी गीत कहाँ गाया जाता है? हिचकी गीत गाया जाता है मेवात क्षेत्र में, और मेवात बोलते हैं अलवर भरतपुर। झोरावा, अगर जिला पूछे तो जैसलमेर और क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले विरह गीत क्या कहलाते हैं? झोरावा कहलाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले विरह गीत झोरावा। और कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में गाए जाते हैं झोरावा। कुर्जा भी विरह गीत है, कागा भी विरह गीत है, और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में जो विरह गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? झोरावा। सीटड़े याद रखना कब गाए जाते हैं? तो शादी के समय।
शादी के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले जो गाली गीत होते हैं, जब बारात आती है, वर तोरण पर आता है, उस समय जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं उनके द्वारा गीत गाए जाते हैं, गाली गीत गाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं शीटड़े। एक तो कामण, वर को जादू टोने से बचाने के लिए ये कामण जो गीत है ये भी विवाह के समय गाया जाता है। वर को, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए तो कौन सा गीत? कामण गीत गाया जाता है। और विवाह के समय गाए जाने वाले जो गाली गीत होते हैं उन गाली गीतों को बोला जाता है सीटड़े। ढोला मारू भी प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसमें ढोला और मारू, ढोला और जो मरवण है उनकी प्रेम कथा का बखान किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है। ये जो ढोला मारू गीत है इसे याद रखना, सिरोही। ढोला मारू गीत कहाँ प्रचलित है? सिरोही जिले में प्रसिद्ध है ढोला मारू गीत। जलो और जलाल, जलो और जलाल से याद रखना विवाह के समय, ये भी आ चुका है परीक्षा में। जलो और जलाल गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के समय, विवाह के समय जब वधु पक्ष की महिलाएं वर का डेरा, दूल्हे का डेरा देखने के लिए जाती है, तो उस समय गाया जाता है जलो और जलाल। मैं तो थारो डेरो देखण आई हो जोड़ीरा जलाल, तो जलो और जलाल वधु पक्ष की महिलाएं जब वर का, दूल्हे का डेरा देखने के लिए जाती है, बारात का डेरा देखने के लिए जाती है, उस समय जलो और जलाल गीत गाया जाता है। आला जो गीत है वो सहरिया जनजाति में वर्षा ऋतु में, सहरिया जनजाति में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सा गीत? आला गीत। हरजस भगवान राम और कृष्ण से संबंधित गीत है। हरजस मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो 11वां आता है, 11वें दिन जो कीर्तन करवाते हैं, तो उस कीर्तन में भी कौन सा गीत गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? हरजस कहा जाता है। किसी की मृत्यु के उपरांत गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पूछा गया प्रश्न, मृत्यु के उपरांत गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। या भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? हरजस कहा जाता है। तो ये याद रखना आपको, हरजस किसकी भक्ति? राम और कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं। कुकड़ी याद रखना, कुकड़ी एक रसम भी है सांसी जनजाति में। जो नव विवाहिता स्त्री होती है, नव वधु होती है, उसको अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है और उसके लिए उसे अंगारों पर नंगे पांव चलाया जाता है, जिसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। और कुकड़ी एक गीत भी है अमावस्या के दिन। अमावस्या में जो रात्रि जागरण होता है, अमावस्या के रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी गीत कहलाता है। अमावस्या के रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी गीत कहलाता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण। पूछा गया है गोरबंद क्या होता है? महिला का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, पुरुष का आभूषण। तो याद रखना जो गोरबंद होता है वो ऊंट के गले का आभूषण होता है और गोरबंद गीत भी गाया जाता है उसी ऊंट के गले के आभूषण के आधार पर गोरबंद गीत गाया जाता है। मारो गोरबंद नखरा अड़ो। तो ये जो गोरबंद गीत है इसके लिए स्थान याद रखना, कहाँ गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है सर्वाधिक, शेखावाटी, इसके अलावा मारवाड़, शेखावाटी और मारवाड़ में प्रचलित है। कौन सा गीत? गोरबंद गीत। कहां प्रचलित है? तो मारवाड़ और शेखावाटी में। और गोरबंद क्या है? तो ऊंट के गले का आभूषण है। कामण, अभी आपको बताया मैंने, विवाह के समय कामण गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के समय गाए जाते हैं। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं कामण। चिरमी गीत याद रखना, मालवा क्षेत्र में गाए जाते हैं चिरमी गीत। चिरमी एक पौधा होता है और उस चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए जो नव वधु, नव विवाहिता स्त्री है वो अपने पिता और भाई की याद में, नव विवाहिता स्त्री, नव वधु अपने पिता और भाई की याद में कि वो मेरे को लेने के लिए कब आएंगे, उनकी प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत गाती है। नव वधु, नव विवाहिता स्त्री अपने पिता या भाई की याद में चिरमी गीत गाती है। चिरमी एक पौधा होता है और चिरमी गीत मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। बिछुड़ा
बिछुड़ा याद रखना, बिछुड़ा भी राजस्थान का एक लोक गीत है और ये गीत कहाँ गाया जाता है तो हाड़ोती क्षेत्र में, कहाँ गाया जाता है हाड़ोती क्षेत्र में गाया जाता है बिछुड़ा गीत। इस गीत में उस महिला की व्यथा है जिसको बिच्छू ने डस लिया है, बिच्छू ने काट लिया है और अब वो मरने वाली है, तो वो महिला अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है, मैं तो मरी होती आज मरी होती खा गयो मेरी बिछुड़ो, ये बोल है इस गीत के। तो बिछुड़ा गीत हाड़ोती क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें जो स्त्री जिसको बिच्छू ने डस लिया है, जो मरने वाली है, वो अपने पति को कहती है कि मेरे जाने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना। पंचीड़ा गीत, पंचीड़ा गीत याद रखना हाड़ोती कहां पर प्रचलित है, हाड़ोती क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र, हाड़ोती और ढूंढाड़ में मेले के समय, जो मेले लगते हैं मेले के समय गाया जाता है पंचीड़ा गीत, हाड़ोती और ढूंढाड़ में मेले के समय गाया जाता है पंचीड़ा गीत। मोरिया, मोरिया गीत में उस बालिका की व्यथा है जिसका रिश्ता तो तय हो चुका है, जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन जिसके विवाह में देरी है, तो वो बालिका विवाह की प्रतीक्षा करते हुए कौन सा गीत गाती है, मोरिया गीत गाती है। जिस बालिका का रिश्ता तय हो चुका है लेकिन विवाह में अभी देरी है, तो उसके द्वारा कौन सा गीत, मोरिया गीत गाया जाता है। बन्ना मनी विवाह के समय, बन्ना बनी गीत कब गाए जाते हैं तो विवाह के समय गाए जाते हैं बन्ना बनी गीत। मरसिया, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में किसी महापुरुष की जब मृत्यु होती है तो कौन सा गीत गाया जाता है, मरसिया। किसी महापुरुष, किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जब होती है मारवाड़ में तो कौन सा गीत गाया जाता है, मरसिया गीत गाया जाता है। इसके अलावा लश्करिया, बींद, रसाला, रमगरिया याद रखना, ये लस करिया, रम गरिया, बींद और रसाला, ये भी राजस्थानी लोकगीत हैं। और कच्ची घोड़ी नृत्य के समय, जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है याद रखना, सेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो सेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और सेखावाटी क्षेत्र में पैटर्न बनाने की कला के लिए, ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है नकली घोड़ियों पर बैठ करके इस प्रकार से किया जाता है कि फूल और फूल से कली, कली से फूल और फूल से कली बनती है, यानी पैटर्न बनाने की कला के लिए जाना जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। और उस कच्ची घोड़ी नृत्य के समय कौन से गीत गाए जाते हैं तो लश्करिया, रमगरिया, बींद और रसाला, ये चारों जो लोकगीत हैं ये कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाए जाते हैं। तो ये राजस्थानी लोकगीत हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि लगभग ये जितने भी मैंने आपको गीत बताए हैं लगभग सभी गीतों में से आपके परीक्षा में प्रश्न बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। लोकगीतों में से अगर प्रश्न बढ़ता है तो इन्हीं में से प्रश्न बढ़ता है जो मैंने आपको बताए हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लेना, फाग होली के समय गाए जाने वाले गीत, तेजा नई फसल जब बोई जाती है नई फसल की बुआई पर गाए जाते हैं तेजा गीत, आंबो पुत्री की विदाई, पुत्री की विदाई के समय आंबो गीत, इंडोनी और पणिहारी कालबेलिया जाति के गीत है, इंडोनी पणिहारी पटेलिया बिछिया लालर आदिवासियों से संबंधित गीत, आदिवासियों के गीत है पटेलिया बिछिया लालर। सुबटिया गीत का संबंध भील स्त्री, भील स्त्री अपने पति के वियोग में कौन सा गीत, सुबटिया। लांगुलिया केला देवी के मेले में, केला देवी के मेले में इनके भक्तों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुलिया। हम सीढ़ो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर के गाते हैं। फलसड़ा विवाह में अतिथियों के आगमन पर, विवाह में अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को बोलते हैं फलसड़ा। मुमल नारी सौंदर्य से संबंधित गीत कौन सा है तो मुमल जो गीत है वो नारी सौंदर्य से संबंधित माना जाता है। मुमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और इस गीत में नारी के नख सिख का वर्णन किया जाता है। कुरजा गीत, कुरजा एक पक्षी होता है जिसको विरह का प्रतीक माना जाता है और कुरजा पक्षी के माध्यम से विरहणी स्त्री पश्चिमी राजस्थान में गीत गाती है कुरजा गीत। कागा, कागा गीत भी विरह का प्रतीक माना जाता है। कोवे को जो विरहणी स्त्री होती है वो अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के उड़ने के लिए कहती है और अपने पति के आने का शगुन मनाती है। बधावा मांगलिक गीत, राजस्थान में गाए जाने वाले मांगलिक गीत बधावा। पवाड़े किसी महापुरुष की वीरता से संबंधित जो गीत होते हैं वो पवाड़े। सारंग संगीत
दोपहर के समय गाया जाता है, पावणा जवाई दामाद के पहली बार आगमन पर गाए जाते हैं पावणा गीत। बिणजारा राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परक गीत, राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परक गीत कौन सा है? बिणजारा, जीरा, स्त्री अपने पति से जीरा नहीं बोलने की विनती करते हुए जीरा गीत गाती है। ओड़ियो, किसी की याद में गाए जाने वाले गीत। लावणी, पश्चिमी राजस्थान में नायक नायिका को बुलाने के लिए लावणी गीत गाता है। चौबाली, राजस्थान में लोक गीतों का संस्मरण, राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? चौबाली। जच्चा होलर गीत, परिवार में पुत्र के जन्म के समय जच्चा होलर गीत गाए जाते हैं। हिचकी गीत, हिचकी जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, और हिचकी गीत कहाँ का प्रचलित है? मेवात क्षेत्र का, अलवर भरतपुर का प्रचलित है हिचकी। झोरावा, पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले विरह गीत को बोलते हैं झोरावा। शिठड़े, विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीत शिठड़े कहलाते हैं। ढोला मारू की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है, सिरोही जिले में प्रसिद्ध है ढोला मारू गीत। जलो और जलाल, तो वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने के लिए जाती है तब गाती है जलो और जलाल। आला, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत आला। हरजस, भगवान कृष्ण और राम की भक्ति में हरजस गीत गाया जाता है, मृत्यु के उपरांत गाए जाने वाले गीत भी क्या कहलाते हैं? हरजस। कुकड़ी, अमावस्या में रात्रि जागरण का अंतिम गीत कहलाता है कुकड़ी। गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण होता है और गोरबंद गीत गाया जाता है शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में। कामण गीत, विवाह के समय वर को दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। चिरमी गीत, मालवा क्षेत्र में चिरमी एक पौधा होता है और उस पौधे को संबोधित करते हुए नव वधु अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में आने की राह देखती हुई चिरमी गीत गाती है मालवा। बिछुड़ा गीत हाड़ोती क्षेत्र में। पंचीड़ा गीत, हाड़ोती और ढूंढाड़ में मेले के समय गाया जाता है। मोरिया जो गीत है उसमें उस बालिका की व्यथा है जिसका रिश्ता तय हो चुका है लेकिन जिसके विवाह में देरी है। बन्ना बनी, विवाह के समय गाया जाता है। मरसिया, मारवाड़ क्षेत्र में किसी महापुरुष की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत मरसिया। और लश्करिया, रमगरिया, बींद और रसाला, ये शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाए जाते हैं लश्करिया, रमगरिया, बींद और रसाला। तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये अच्छे से आपको याद करने क्योंकि परीक्षा में लगभग सबके बारे में प्रश्न बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा राजस्थान की कला संस्कृति का। धन्यवाद।